Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वो क्या खूबियां थी, वो क्या अचीवमेंट्स थी जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न सिर्फ एक बार बल्कि लगातार दो बार देश का राष्ट्रपति बनाया। आइए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभी लोग प्यार से राजेंद्र बाबू बुलाते थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। उनके पिता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, इसीलिए परिवार में शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हमेशा पढ़ाई में टॉपर रहे। उन्हें लॉयर बनना था, जिसके लिए उन्होंने पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी से LLB की और फिर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD। वो एकेडमिक्स में इतने ब्रिलियंट थे कि एक बार उनकी आंसर शीट में एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। ये प्रतिभा थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भागलपुर आ गए और उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये वो समय था जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बुलंद हो रही थी और राजेंद्र बाबू भी इसमें अपना योगदान देना चाहते थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ और उसके बाद राजेंद्र बाबू पूरी तरह से फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए। वो चंपारण में गरीब किसानों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। जब गांधी जी सत्याग्रह के लिए बिहार आए तो यहीं पर गांधी जी और राजेंद्र बाबू का पहली बार मिलना हुआ। गांधी जी के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई का हिस्सा बन गए। इसी दौरान 1920 में राजेंद्र बाबू बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेस बनकर उभरे। आंदोलन में विदेशी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बॉयकॉट की अपील पर राजेंद्र बाबू ने सामने से मूवमेंट लीड किया और अपने बेटे को ब्रिटिश संचालित कलकत्ता यूनिवर्सिटी छोड़कर बिहार विद्यापीठ ज्वाइन करवाया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपना जमा जमाया वकालत का करियर भी छोड़ दिया। ऐसा करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कहने में ही नहीं बल्कि करने में भी विश्वास करते थे। राजेंद्र बाबू लोगों के दुख दर्द कम करने में भी हमेशा आगे रहे। बिहार में जब 1934 में अर्थक्वेक आया तो वो जेल में थे, लेकिन दो दिन बाद बाहर आते ही वो पूरे जी जान से रिलीफ वर्क में जुट गए। उन्होंने बहुत कम समय में रिलीफ कमेटी बनाई और उसके लिए 38 लाख की डोनेशंस इकट्ठी की। फिर 1935 में जब क्वेटा में भी भूकंप आया तो वो वहां जाकर भी लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके वहां जाने पर रोक लगा दी। तो उन्होंने सिंध और पंजाब में ही रहकर भूकंप पीड़ित लोगों के लिए क्वेटा सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की और फंड्स इकट्ठा किए। 1946 में जब देश को आजादी मिलना तय हो गया तब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की काबिलियत को देखते हुए उन्हें देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। अगले 3 साल तक उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक अहम भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक ऑफ इंडिया की घोषणा के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यूनैनिमसली भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के देश के हित के लिए काम किया। भारत उस समय एक नया देश था और राजेंद्र बाबू आइडिया ऑफ इंडिया को विदेशों में फैलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई फॉरेन ट्रिप्स भी किए, जैसे जापान, श्रीलंका, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और USSR। राजेंद्र बाबू ने विश्व में नए भारत की पहचान बनाई।
और सभी के साथ भारत के रिश्ते बेहतर किए। वो अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार दो बार 1952 और 1957 में देश के राष्ट्रपति चुने गए। 12 साल तक देश के राष्ट्रपति रहने के बाद 1962 में राजेंद्र बाबू ने रिटायरमेंट ले ली। उसी साल सितंबर में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आदर्शों पर हमेशा टिके रहे। उन्होंने कहा था, "In attaining our ideals, our means should be as pure as the end."